क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 134 क्या लिखा देखो जरा, संकेत ओन टू हाउस फॉर अ फाइनेंशियर 1920, डिटेल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी इज गिवेन बिलो। हाउस नंबर वन दिया है, हाउस नंबर टू दिया है, हाउस नंबर वन और टू के लिए मैं बात कर रहा हूं, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल टैक्स, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट नया ही है, एनुअल रेंट मतलब है आपको किराया मिला है। जब आपको किराया मिला है इसका मतलब यह हुआ कि एचपी वन आपने लेट आउट किया है, एचपी टू भी लेट आउट किया है, ये लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट नहीं है। अब होशियारी मत करना कि दोनों में से हायर कौन सा है, वो साफ साफ लफ्जों में बोला है, देखो एनुअल रेंट लिखा गया है, एनुअल रेंट का ही मतलब क्या है, लेट आउट। लिख के रखो साइड में, मैं जैसे बोलता हूं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखो जहां पर सोल्यूशन चल रहा, वहां पर हाईलाइटर से मार्क करना उसको, जहां पर सोल्यूशन है वहां पर लिखना, ऊपर कहीं पे साइड में तुम्हारे लिए एनुअल रेंट, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट, डोंट राइट, डोंट राइट, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट अगर क्वेश्चन में दिया है, लिखो एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट अगर क्वेश्चन में दिया है मतलब प्रॉपर्टी लेट आउट है, मतलब एचपी लेट आउट है, मतलब एचपी लेट आउट है, दिया है तो, या आगे और भी लिख सकती है, पिछले क्वेश्चन में एनुअल रेंट मिसिंग था इसलिए लेट आउट नहीं था, वाह, पिछले समय एनुअल रेंट मिसिंग था इसलिए लेट आउट नहीं था, आज के समय एनुअल रेंट है इसलिए लेट आउट है। अरे वाह, ट्राई पा रहा ना बिल्कुल, लेट आउट कैसे मान पड़े, लेट आउट किया। और भी आगे बोला है देखो जरा, लैंड रेंट रेवेन्यू लिखा है, ग्राउंड रेंट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन लिखा है, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन बोला क्या है, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, लेट आउट फॉर बिजनेस। अरे किसको भी किराए पर दो, चाहे बिजनेस के लिए दो, चाहे वो रेसिडेंस पर्पस के लिए दो, मतलब नहीं है, लेट आउट है ना, अरे बोलो ना, लेट आउट है ना, खत्म बात, लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है, वो किस पर्पस के लिए दिया, लेना देना नहीं है। चलो स्टार्ट करें, तो सबसे पहला हाउस नंबर वन, पहले घर में देखो फिर दूसरे घर में आओ, पहले घर में देखो, लिखो मत, लिखो मत, क्या निकालेंगे, पहले घाव, घाव में से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, देन नाव, घाव में से माइनस करें तो क्या मिलेगा, नाव, नाव में सेक्शन 24 आएगा, नाव में बैठेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनएवी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तो घाव कैसे निकालते हैं, एचपी वन की बात कर रहा हूं, तो क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर एंड व्हिचएवर इज हायर, तो क्वेश्चन म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया, देखो जरा 3,36,000 कब्बो, हाँ फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया क्या, कितरिया, हाँ का मतलब क्या, 3,35,000, विच एवर इज हायर, इन दोनों में हायर कौन सा है, 3,36,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, करके पुट ए डैश 3,36,000, नहीं दिया कहां से लेकर आओ, नहीं दिया, नहीं दिया, समझा क्या, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया क्वेश्चन में, हाँ दिया है, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट एक ही बात है, तो दिया गया देखो एनुअल रेंट 3,30,000, हायर बोलो कौन सा दोनों में, 3,38,000 क्या रहेंगी मेरी, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, स्टेप टू को एक्सपेक्टेड रेंट भी बुलाते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट भी बुलाते, रीजनेबल रेंट इसको ERR बुलाते हैं। अगर एग्जाम में वाइवास के समय क्वेश्चन पूछा तुमको कि बड़ा जीएवी की कैलकुलेशन क्या है, मुनसे वैल्यूएशन ऑफ फेयर एंड विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, जो स्टैंडर्ड रेंट का आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट,
और उसको किससे कंपेयर करेंगे, एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। तो हायर अगर कौन सा है, 3,38,000। क्या यहां देखो, ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है तुमको? अनरियलाइज रेंट लिखा है क्या? देखो जरा, नहीं लिखे लाए। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या, किरायेदार ने किराया दिया नहीं, घर में रहता लेकिन किराया दे रहा नहीं, डैश नहीं दिला ना, 3,38,000 स्टेप नंबर 4 होंगी अपनी, समझा? अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में नहीं है करके डैश, लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है करके डैश, हमारा आंसर आ गया। होता तो माइनस करे, होते ना, अभी फिलहाल नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे ना, समझा? 3,38,000, 3,38,000 मैंने यहां लिखा। क्या क्वेश्चन म्यूनसिपल टैक्स दिया करे को जरा, लिखा है कितना लिखा है, 4,000 पेड लिखा क्या उसके बाद में, 3,34,000 मैं लिख कर देता हूं, ध्यान दो जरा, हैशटैग म्यूनसिपल टैक्स लिखा ऐसा लिखा तो इज अलाउड, एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी इफ पेड बाय ओनर। तो पेड हो गया है तो हमने देख लिए, ठीक है आगे बढ़े। चलो 30%, 3,38,000 का, 34,000 का 30% स्टैंडर्ड रेंट, तो मैं स्टैंडर्ड रेंट निकाल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल रहा हूं तुमको, तो कितना आएगा 334 के ऊपर 30%, बोलो, अरे बोलो, 1,200,000 पक्का, 1,200,000 रुपीज माइनस करेंगे, ठीक है। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया किसने अपने को, नहीं दिया है करके डैश, दिया हो तो जितने भी अमाउंट है वो सबके सब अमाउंट लेते थे, इसके लिए कोई लिमिट नहीं, लिमिट किसके लिए है, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है, लेट आउट के लिए नहीं है, डीम टू लेट आउट की लिमिट नहीं है, कल आया होते तो अच्छा रहता था बेटा। चलो इनकम फ्रॉम चुप HP1 माइनस करके बोलो कितना होता, 2,33,000, तो मैं और लिख लेता हूं, चलो और लिखता हूं, क्या ग्राउंड रेंट लिखा क्या, लैंड रेवेन्यू लिखा क्या, देखो इज इंक्लूडेड इन 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस 30% में इंक्लूड है, बस इतना लिख दो, एकदम समझदार है, तुम्हारे से ज्यादा समझदार है, समझ जाएगा क्या इशारा मिल गया उसको, तो यहां तक डाउट सिर्फ बोलो बोलो, समझा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, HP2 की तरफ, HP1 का कैलकुलेशन होगा, HP2 के लिए क्या करेंगे, जीएवी के लिए क्या करूंगे, पहले म्यूनसिपल वैल्यूएशन बोलो कितनी है, 2,30,000। अच्छा फेयर रेंट दिया क्या क्वेश्चन में, अरे फेयर रेंट दिया क्या, 2,32,000, विच एवर इज हायर, इन दोनों में हायर कौन सा है, 2,35,000, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया करके डैश, 2,35,000 हमारी स्टेप टू आएगी, स्टेप टू का हम लोग क्या बोलाते हैं, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट। चलो एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट दिया क्या क्वेश्चन में उसने अपने को, कितना दिया है, 2,35,000, कौन बोलेगा मुझे इसमें से कौन सा हायर है, टू भी ले लो, 2,35,000। अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन मैंने दिया है, पुट ए डैश, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं दिया, देन पुट ए डैश, 2,35,000 लिखा। अब म्यूनसिपल टैक्स लिखा के देखो जरा, HP2 की तरफ 5,000 ड्यू लिखा के, ड्यू लिखा क्या, किसी बुक में है कि नहीं लिखा है ड्यू, है सबके, सुनो ना, ऐसा म्यूनसिपल टैक्सेस किसी किसी के HP1 HP2 किसी की बुक में, मैं पूछ रहा हूं, 4,000 रुपीज पेड लिखा है बाजू में, है ना, हाँ, और ये 5,000 रुपीज नहीं लिखाऊंगा या कुछ और लिखाऊंगा, तो लिख दो आप ड्यू लिखो उधर, मैं ये बोल रहा तुमको,
ये क्वेश्चन में चेंज करना, ये वाला क्वेश्चन में चेंज करेंगे ये वाला, ठीक है। अगर नहीं लिखाऊंगा तो, लिखाऊंगा तो ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है कुछ है। क्या देखो, क्या देखो भाई, म्युनिसिपल टैक्स एचपी 2 के लिए कितना दिया है, 5000। क्या बोला है, ड्यू बोला ना, ड्यू मतलब यू, 2,35,000। अब ध्यान देना दो तीन बातों पर, या देखो यहां पे क्या लिखा था मैंने, म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी। कब अलाउड करेगा जीएवी से माइनस करने को, इफ पेड बाय ओनर, एक ही वर्ड है, इफ पेड बाय होम ओनर। इफ ड्यू बोला क्या, इधर ड्यू में और पेड में फर्क था, ड्यू का मतलब देना है, पेड का मतलब पेड कर दिया, बोलो ना, पेड मतलब पेड कर दिया, वहां पर ड्यू बोलता है तो डिडक्शन मिलेंगे, नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, कंडीशन पूरी नहीं हो गई। पेड बाय ओनर भी होना चाहिए, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो। मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ, अगर ड्यू लिखा तो नहीं, क्यों, पेड होना चाहिए, जैसे ये वाला पेड था ना तो हमने दिए, इस वाले का पेड नहीं करके हमने ड्यू कर दिए। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता था, पेड बाय ओनर लिए होते कि नहीं लिए होते, वेरी गुड, पेड बाय टेनेंट अगर बोला होता तो लिए होते कि नहीं लिए होते, नहीं लिए होते, क्योंकि पेड किसने करना चाहिए, ओनर, समझा। या देखो अब बोलो, कोई मुझे जवाब देगा, क्या आएगा, 5 रुपये का कुछ नहीं बोला है, पेड़ की ड्यू के क्या कि क्या कि क्या कि क्या, अज्यूम करेंगे पेड़ कर दिया, इसके पहले क्या करे थे, म्युनिसिपल टैक्स के आगे कुछ लिखा था क्या, अरे बोलो ना, लिखा था कल के क्वेश्चन में, नहीं लिखा था, मतलब क्या माने हमने, पेड़ कर दिया उसने, आज के समय उसने बोला है ठीक है पेड़, तो हमने पेड़ माने, ड्यू बोला है तो हमने ड्यू माने, समझा। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पेड बाय होम ओनर, पेड़ होना चाहिए और कौन क्या होना चाहिए, ओनर, ये दोनों बात को चेक करेंगे। तो वहां पर नहीं था करके डैश कर दिए, 2,35,000, समझा। चलो स्टैंडर्ड डायरेक्शन बोलो मेरे को, एचपी 2 का कितना है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन 2,35,000 पे 30% बोलो कितना आता, 70,000 इंटरेस्ट दिया कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कह रहे दिया ना, 1,14,000 माइनस करके बोलो कितना होता है, 50,500। कैसा आ रहा बाकी लोग का आंसर, ये 235 में से माइनस, ये माइनस, चलो इनकम फ्रॉम एचपी 1 2,33,800, इनकम फ्रॉम एचपी 2 50,500, ये अपना आंसर है, इनकम फ्रॉम एचपी। चलो बोलो, डन, क्वेश्चन है, डाउट से बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा देखो जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मिस्टर अश्विन कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्युपाइड है कि डीम्ड टू बी लेट आउट है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो जरा, एक्चुअल रेंट रिसीव लिखा गया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, उसमें देखो है क्या, एक्चुअल रेंट रिसीव का मतलब क्या, लेट आउट, दोनों प्रॉपर्टी कौन सी है, लेट आउट, तो लेट आउट है तो हाउस नंबर 1 के लिए पहले जीएवी निकालेंगे, और जीएवी के लिए कैलकुलेशन करने के लिए स्टेप, तो हाउस नंबर 1 में देखेंगे, हाउस नंबर 1 में देखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन बोलो कितनी है, 1,10,000 है, स्टैंड फेयर रेंट बोलो कितनी है, 1,20,000 है, या देखो इन दोनों में हायर कौन सा है, करेक्ट है, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में कितना है, हाउस नंबर 1 1,20,000, लोअर बोलो कौन सा दोनों में,
1,20,000 एनुअल रेंट, ये एक्चुअल रेंट कितना दिया देखो जरा, एक्चुअल रेंट दिया है कितना, 1,32,000। हायर बोलो कौन सा हायर, हायर 1,30,000। क्या क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट लिखा है क्या, क्या क्वेश्चन में लॉस ड्यू टू वैकेंसी लिखा है क्या, तो अपना जीवी कितना आया 1,32,000। म्युनिसिपल टैक्स लिखा है क्वेश्चन में, ड्यू है कि क्या है, आएगा क्या डिडक्शन एनएवी 132 ड्यू के लिए नहीं आएगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, पेड बाय ओनर होना चाहिए। चलो एचपी के लिए डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 132 का 30% बोलो कितना आऊंगा, 39,600। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया क्या उसने, हाँ नीचे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस नंबर ए, फंड आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस नंबर बी ₹30,000। ए को मॉर्गेज रखा, फंड यूज करा बी के लिए, ए घर को मॉर्गेज रखा, गिरवी रखा, और जो लोन अमाउंट आया ना, लोन अमाउंट, वो उससे कौन सा घर बनाया उसने, बी वाला घर बनाया। तो जहां पर फंड यूज करा ना, फंड यूज, उधर मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। अब देखो ये वाला मॉर्गेज रखा, लोन लिया, लोन का पैसा जा आया, उसने हाउस नंबर बी के लिए यूज करा, तो इंटरेस्ट डिडक्शन किसको देंगे, ए को देंगे बी को देंगे, तो जहां पर फंड यूज हो रहे उसको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, जब बी में जाएंगे तब इसे कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर फिलहाल मैं डैश करता हूं, इसको लिख लू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोर्ड, कैपिटल या फिर लोन इज अलाउड वेयर फंड्स आर यूज्ड, दैट इज हाउस नंबर ए सॉरी बी। तो फंड कहां पे यूज होगा, बी में, तो बी के अंदर आएगा, ए को नहीं आएगा। चलो माइनस करके बताओ कितना होता है, 92,400, ये अपनी आंसर आ गई, डन। हाउस नंबर बी की तरफ आओ, बी भी क्या लेट आउट है ना, तो क्या निकालेंगे, जीएवी। चलो जीएवी की कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखो जरा, पहले बोलो मुंसिपल वैल्यूएशन बोलो कितना है, अच्छा फेयर रेंट बोलो कितना है, इन दोनों में हायर बोलो कौन सा है। अब क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया कितना है, 1,20,000। अब इन दोनों में लोअर देखेंगे, 1,07,000, समझा। एक्चुअल किराया रिसीव्ड कितना किराया मिला उसको, 1,06,000, ये 1,06,000। इनमें क्या देखेंगे, हायर 1,07,000, क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट नहीं दिया है और लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी नहीं दिया है, तो अपना आंसर जीएवी कितना है हाउस नंबर टू का, 1,07,000, ये 1,07,000। बोलो म्युनिसिपल टैक्स आगे क्या लिखा, ड्यू लिखा के पेड लिखा है, ड्यू लिखा के पेड लिखा है, पेड लिखा है, तो पेड लिखा है, तो फिर हम लोग लिखेंगे उसको माइनस करेंगे, मैंने पहले बोला करेक्शन करने के लिए, पेड है पेड, 87,000 नहीं सुनते हो गले, वो एचपी टू 87,000 पे 30% बोलो कितना हुआ, 26,000, 26,100 रुपए, और 30,000 का जो क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस नंबर ए, फंड आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस नंबर बी, तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा इधर। बोलो ए बी आंसर बोलो कितना होगा, 30,900। चलो इनकम फ्रॉम हाउस नंबर ए, हाउस नंबर बी, हाउस नंबर ए
92,400, B 30,900 plus ये आंसर आ गया तुम्हारा 1,23,300 समझा, कॉपी कर लो। चलो एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिस्टर अविनाश इज द ओनर ऑफ टू आइडेंटिकल हाउस इन पुणे एट शिवाजीनगर। आइडेंटिकल हाउस का मतलब ये होता है कि उसके घर है ऐसे वाला, नीचे ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, देखा तुमको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, घर एक ही है, हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, उसके दो पार्ट है। तो एक काम करता हूं मैं, इसको मैं बुलाता हूं एचपी यूनिट वन, इसको बुलाता हूं यूनिट टू। यह एचपी वन एचपी टू बुलाता हूं, चल जाएगा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज गिवन बिलो। टोटल म्युनिसिपल टैक्स वैल्यू ऑफ बोथ द हाउस इज ₹4,00,000। यार देखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों घर का कितनी है, बोथ म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 4 लाख का हाफ करूं क्या मैं, 2 लाख रुपीज ईच हो जाएगी। मतलब मैं लिख लेता हूं यहां पर ताकि मेरे को याद रहे, म्युनिसिपैलिटी इसकी भी 2 लाख रहेगी और इसकी भी 2 लाख रुपए रहेंगी, अग्री। वेरी गुड। द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ ईच हाउस इज ₹1,80,000। ईच हाउस मतलब कितना, हर एक घर का कितना है, 1,80,180। मैं लिख रहा हूं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, अब मुझे मालूम है कौन सा लेटआउट है कौन सा डीम ट्यूब लेटआउट है। हाउस नंबर वन इज गिवन टू ए फ्रेंड, हाउस नंबर वन इज गिवन टू हिज फ्रेंड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब ये लेटआउट किया हाउस नंबर वन, ये तो कन्फर्म है। हु पेज ₹14,000 पर मंथ टू मिस्टर अविनाश। तो अविनाश को किराया कितना मिल रहा है, 14,000 रुपीज मिल रहा है, किसका, हाउस नंबर वन का। मैं लिख रहा हूं बस, हाउस नंबर टू इज लेट आउट टू मिस्टर जोश एट ₹10,000 पर मंथ, ये भी लेट आउट है, पर कितने से लेट आउट है, एट ₹10,000 पर मंथ। मिस्टर जयेश, जोयेश ने जयेश है, लिव्स इन द हाउस अप टू 31st December। फ्रॉम 1st January द हाउस वॉज लेट आउट टू मिस्टर किरण कृष्णा एट ₹14,000 पर मंथ। ओहो हो, टिल डिसंबर किराया कितना आ रहा था, ₹10,000 पर मंथ, फ्रॉम जनवरी किराया कितना आ रहा है, ₹14,000 पर मंथ। तो ये 10 months के लिए हुआ करेक्ट ना, ये रिमेनिंग नहीं नहीं ये 9 months के लिए हुआ, ये 3 months के लिए हो गया करेक्ट। देखो ना अप्रैल से लेके तो 31st December तक 9 months होता ना, और 1 January से लेके तो 31st March तक 3 months होता। टोटल म्युनिसिपल वैल्यूएशन पेड बाय हिम फॉर बोथ द हाउस इज ₹20,000 विच इंक्लूड एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स पेड फॉर 2021 ₹4,000। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ₹20,000 म्युनिसिपल टैक्स है या नहीं है, एक का कि दोनों का है फर्क नहीं पड़ता हमको, ₹20,000 है ना, हाफ कर दू क्या, हाफ क्यों कर रहे हैं इसको, आइडेंटिकल हाउस है दो घर है उसके, तो मैं लिख लेता हूं दोनों ही पेड किया क्या। देखो इधर ₹10,000, मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूं बस, क्या बोला उसने, इसमें ₹4,000 इंक्लूड है एडवांस वाले भी, मतलब इसका यह है कि म्युनिसिपल टैक्स
म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर का है 16,000 रुपये, नेक्स्ट ईयर का है 4,000 रुपये, नेक्स्ट ईयर का 4,000, हमने दोनों मिला के म्युनिसिपल टैक्स इतना पे करें, कितना पे करें, 20,000 रुपये ना। अब यहां देखो जरा, आओ जरा आओ, ये देखो म्युनिसिपल टैक्स अलाउड एज डिडक्शन फॉर फ्रॉम जीएवी इफ पेड बाय ओनर, इफ पेड फॉर करंट ईयर लिखा गया, करंट ईयर का ही मिलेगा ऐसा लिखा गया, पेड बोले जाना, पेड करते 20 साल तक का मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, तो 20 साल तक का एडवांस रेंट, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स वो अलाउड होगा डिडक्शन में। 40 साल का म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे कर दिया तो 40 साल का म्युनिसिपल टैक्स को डिवाइड माइनस करना पड़ेगा। 100 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया तो 100 साल का माइनस करना पड़ेगा। यहां पर पेड इंपॉर्टेंट है, वो कितना पे करा इस साल का कि है कि नहीं है मतलब नहीं है, पेड कर दिया ना, पेड कितना करा मुझे बात बताओ, 16 पे करा कि 4 पे करा कि 20 पे करा, 20 बस, तो 20 सर के ऊपर 1/4 लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, समझा, हमारे लिए पेड इंपॉर्टेंट है। करंट ईयर कितना है 16, 4,000 तो नेक्स्ट ईयर का था, वो मतलब नहीं है हमको, पेड करा ना, 20 पे करा ना, खत्म, तो 20 का हाफ ऑफ हो जाएगा। आगे ही पेड इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 के लिए कितना पे करा, हाउस नंबर 2 के लिए कितना पे करा, 40,000 रुपीज ना, देखो मैं माइनस कर रहा 40,000 रुपीज। ही पेड 15,000 फॉर द रिपेयर फॉर द हाउस नंबर 1 ड्यूरिंग द ईयर 1920। रिपेयर से खर्चा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा, रिपेयर्स क्या है, अलाउड होगा कि नहीं होगा, क्यों रिपेयर्स अलाउड नहीं होगा, रिपेयर्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 30% में इंक्लूड है। तो पॉइंट नंबर लास्ट वाला कुछ काम करें, हमारा हमने ब्रेकअप करके पढ़े, अब यहां तक डाउट से बोले तुम्हें को, एग्जाम्स क्वेश्चन है, एग्जाम्स क्वेश्चन है, पीछे देते फिर से बोलो, म्युनिसिपैलिटी दोनों घर कितना दिया 4,00,000, एक घर कितना हाफ कर दो, हाफ यू करे आइडेंटिकल घर थे ना, तो हाफ करके मालूम पड़ा 2,00,000 रुपए एक घर का, इसमें डाउट से बोलो म्युनिसिपल वैल्यूएशन में, समझा, म्युनिसिपल टैक्सेस पे करा उसने दोनों घर का, कितना पे करा 20,000, उसमें 4,000 रुपए एडवांस थे, फर्क नहीं पड़ता है एडवांस हो ना पेड है ना, तो बस तो फर्क पड़ेगा 20,000 रुपीज इन टू हाफ, बट हाफ कर दिए 10,000 रुपए। अगर ऐसा बोला था कि 20,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स है जिसमें से 4,000 आउटस्टैंडिंग है, 16 पे करे तो क्या लिए होते, 16 पेड इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बस तो पे का हाफ कर दिए तो कितना हुआ 10,000 रुपीज, 10,000 आ गए इधर, समझा। और उसने ये बोला कि इंटरेस्ट लोन हाउस नंबर 1 के लिए नहीं, हाउस नंबर 2 के लिए कितना आया 40,000 रुपीज कर दिए। फिर स्टैंडर्ड रेंट दोनों कितना बोला है 1,80,000 1,80,000 ईच बोला है, और हाउस नंबर 1 जो है 14,000 रुपीज किराया है, हाउस नंबर 2 दिसंबर तक 10,000 रुपए था, दिसंबर के बाद से 14,000 रुपए, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देखो एक बार आराम से, क्वेश्चन देख लो क्या मैं जो बोल रहा हूं वैसा ही है कि कुछ और है, मेरे को मत देख बेटा क्वेश्चन देख, मेरे को देख कुछ नहीं समझेगा, सिर्फ एक चीज समझेगी, समझो रहा जल्दी, चलो जय राम गेट, हाउस नंबर 1 की तरफ देखेंगे, मुंसे जीएवी निकालते हैं, अरे बोलो ना, ओ अरे ओ इधर जीएवी निकालो, बाजू में निकालते बेटी जीएवी कितना 2,00,000 रुपीज है, फेयर इंडिया का उसने क्वेश्चन में ये 2,00,000 रुपीज आया, अरे बोलो ना, इन दोनों में लोअर, ये 14,000 to 12 1,60,000 हायर एंड लेस रेंट नहीं है, 1,80,000 4 लॉस टू वैकेंसी नहीं है, आंसर आया 1,80,000। एग्जाम में आए थे समस्या 1,70,000 का 30%, हाँ तुम निकालो ना, मैं क्यों निकाल के दिखाओ, बोलो
वन लैख समझता हो, अब यहां देखो एचपी टू की तरफ, वन गथम एचपी टू की तरफ, एचपी टू बोलो म्युनिसिपैलिटी कितना, 2 लाख है, फेयर रेंट हायर, इन दोनों में लोअर, क्या देखो दिसंबर तक किराया कितना था, 9 महीने तक 10,000 रुपए, दिसंबर के बाद से जो कितना था 90,000 होता, 1,32,000 रुपए। इन दोनों में हायर, फिफ्टी वन है चाहेंगे ना इसका, बोलो कितना है इसका आंसर, 79। एचपी वन बोलो कितना आया, एचपी टू टोटल मालूम हमको, खत्म फिनिश्ड। क्वेश्चन है कुछ पूछने के,